अशोकनगर जिले में कुछ दिनों से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां किसी का घर गिर गया तो किसी के घर में पानी भर गया। इसी बीच क्षेत्रीय विधायक जसपा सिंह जज्जी ने लोगों से एक वीडियो शेयर कर अपील की और कहा कि हर संभव मदद के लिए मुझसे और अधिकारियों से संपर्क करें। इसी बीच उन्होंने एक कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किया। भारी बारिश की वजह से सारे नदी नाले उफान पे हैं और जो भी किसी भी नदी या नाले के किनारे जिन जो मकान बने उन सारे बंधुओं से भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो अपनी जान को खतरे में न डालें और उनको लग रहा है कि पानी बढ़ रहा है तो अपने मकान खाली करके गांव में हो जाए या ऊंची जगह पे पहुंच जाए। और जिला प्रशासन अलर्ट है, मेरी लगातार अधिकारियों से बात हो रही है और जो भी हो रही है हर संभव मदद पहुंच रही है। यदि ऐसी कहीं कोई स्थिति ज्यादा दिख रही है तत्काल मुझे फोन करें या कलेक्टर अशोकनगर को, तहसीलदार को, या मुझे फोन करें तो जो भी वहाँ पे आपकी मदद हो सकती तत्काल पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। और सारे अधिकारी क्षेत्र में निकल रहे हैं, मैं खुद ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा हूँ तो और जहाँ जहाँ जानकारी मिल रही है हम लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन आप सब लोग अपनी सुरक्षा खुद भी ध्यान रखें और अपने जान माल का नुकसान ना हो और बाकी नुकसान की भरपाई हो सकती है लेकिन दो चीज़ों की नहीं हो सकती। आपसे निवेदन है कि आप रिस्क ना लें और अपनी जान को जोखिम न डालें और आप यदि लगता है कि पानी बढ़ रहा है तो मकानों में आ रहा है पानी, कई जगह में देख रहा हूँ जानकारी मिल रही है, तो सबसे मेरा निवेदन है आपसे कि सावधानी की जरूरत है। और अभी अशोकनगर को रेड जोन में बता दिया, मौसम विभाग का कहना है कि अभी और ज्यादा बारिश होने वाली है तो बहुत सावधान रहें और अपने आप को सुरक्षित रहें, मेरी शुभकामना है। और चलिए इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहन हमारे साथ जुड़े हैं। मोहन, जनप्रतिनिधियों की एक जिम्मेदारी होती ही है कि वो अपनी क्षेत्र की जनता का ख्याल रखे। जिस प्रकार से विधायक जसपाल सिंह जज्जी ने जो नेक काम किया है लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने वीडियो शेयर करके बताया है कि किसी को भी हमारी जो लगती है गाड़ी लगी या कोई भी मुसीबत हो तो तुरंत हमको संपर्क करें या अधिकारी है ना उनको सूचित किया जाए। जैसे भी कोई मुसीबत है या कोई भी मतलब प्रभावित इलाका है वहाँ पे कोई भी जो स्थिति की संभावना बनती है तो संपर्क करेंगे कहना है। अभी ये बताए क्या स्थिति है, क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि काफी ज्यादा यहाँ बारिश हुई है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जनता यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान है। क्या स्थिति, क्या कहा है मौसम विभाग ने और क्या कुछ स्थिति है ग्रामीण इलाकों की? जी, आपको बता रहे हैं कि यहाँ अशोकनगर जिले में रेड जोन जो है ना इलाका कर दिया गया है और यहाँ की नदी नाले बहुत उफान पे हैं, खतरे के निशान से मतलब नदी नाले उफान पे चल रहे हैं अभी भी। हाँ। और ग्रामीण इलाकों में जो कुछ लोगों के घरों में पानी भर गया, कुछ लोगों के घर जो है ना गिर गए जो नदी के किनारे पे बने हुए थे तो भारी नुकसान हुआ है। मोहन, कोई जनहानि की कोई खबरें तो नहीं आई अभी तक सामने? जी, मेरा अशोकनगर के सालोरा के पास में एक गांव है बामूरी पाल, वहां पे एक मकान गिर गया, उसमें दो लोगों की जो है दोनों सगे भाइयों से उनकी जान चली गई है। मैंने चलिए शुक्रिया मोहन तमाम जानकारी के लिए। जिले में भारी बारिश हो रही है और इसी वजह से नदी नाले भी उफान पर है और इसी बीच एक सराहनीय पहल विधायक के द्वारा की गई है। कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किया है, वीडियो भी जारी कर कहा है कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो रही है क्षेत्र की जनता को ग्रामीण इलाके में तो वो सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मदद के लिए हम तैयार हैं।